यूक्रेन बॉर्डर कुछ ओपन नहीं कर रहा है, हमें अलाउ नहीं कर रहा है पोलैंड की तरफ जाने के लिए। नेगोशिएशंस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना तो होना चाहिए कि यहाँ की एम्बेसी यूक्रेनियंस के साथ थोड़ा कोऑपरेट करके हमारे लिए कुछ लिविंग कंडीशंस ठीक करे। जैसे कि कल से हमने कुछ खाना नहीं खाया, ना हमें कोई पानी मिल रहा है, और बल्कि अब सुपरमार्केट इतना फिल हो चुका है कि वहाँ के लिए बहुत लंबी लाइन लग रही है, और ना हमें एंट्री मिल रही है। प्रेफरेबली यूक्रेनियंस को अंदर जाने दिया जा रहा है, और बाकी जितने भी फॉरेनर्स हैं उनके साथ ना थोड़ा सा रेशियली बिहेव किया जा रहा है, उनको सही तरह से सब यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ रहे हैं, कहीं पर बैठने की रहने की कोई जगह नहीं है, और कोई दो तो तीन तीन दिन से सोया नहीं है। हमारे रात को मेन हमें रात को रहने की जगह इसलिए चाहिए क्योंकि रात को -3 से -10 के बीच में टेम्परेचर हो जाता है, जो बिल्कुल अनबेरेबल है। और हम सब इमरजेंसी में आए हैं तो रेगुलरली सब एक जैकेट में आए हैं, अंदर जनरली सबके टी शर्ट है या तो नीचे ट्राउजर्स हैं या जीन्स हैं, और हम एक कपड़े में ही 3 दिन से हैं।